सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क। आईफोन 13 को लेके अभी भी यहाँ पे काफी सारे डाउट बने हुए हैं कि सेल के अंदर हमें कहाँ से परचेज करना चाहिए आईफोन 13, क्योंकि फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल के साथ साथ यहाँ पे अमेजोन ने भी टीजर निकाल दिया आईफोन 13 का। प्राइसेस को लेके पहले यहाँ पे काफी सारी कंफ्यूजन थी कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कितने प्राइस के अंदर आएगा। अब ये भी नहीं समझ आ रहा है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ज्यादा डिस्काउंट आएगा या फिर अमेजोन के ऊपर डिस्काउंट आएगा। अभी सारे डाउट आपके ये वाले क्लियर हो जाएंगे। पहले बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कितने का आएगा आईफोन 13। सो फ्लिपकार्ट ने कुछ दिन पहले ऑलरेडी यहाँ पे 49,990 रुपीस का टीजर उतार दिया था आईफोन 13 के लिए। उसके बाद ये घूम ही जा रहा है और यहाँ पे कोई भी अभी अमाउंट उन्होंने स्टिल नहीं बताया, लेकिन यही प्राइस यहाँ पे लास्ट होगा 49,990 रुपीस के अंदर ही आपको मिलेगा आईफोन 13। इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं होगा, 50,000 के अंदर ही मिलेगा आपको आईफोन 13 फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के अंदर। अब बात आती है कि अमेजोन के ऊपर कितने का आएगा हमारा आईफोन 13। सो अभी तक अमेजोन ने कोई भी यहाँ पे प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया, लास्ट में सिर्फ 900 उन्होंने मेंशन किया है। उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि अच्छे से उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, इतनी आईफोन 12 की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि आईफोन 12 जो है वो बेटर प्राइस आएगा अमेज़न के ऊपर फॉर श्योर, बट आईफोन 13 के ऊपर इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स नहीं चल रही। सो यही लग रहा है कि आईफोन 13 जो है वो अमेज़न के ऊपर इतने अच्छे प्राइसेस के अंदर नहीं आएगा। हो सकता है कि वो 50,000 के भी ऊपर आपको देखने को मिले सारे डिस्काउंट लगाने के बाद। लास्ट प्राइस जो मुझे लग रहा है वो 51-52,000 हो सकता है आईफोन 13 का अमेज़न के ऊपर। लेकिन स्टिल यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट से ही आईफोन 13 परचेज करना चाहिए, काफी सारे लोगों के लिए अमेजोन की डील भी काफी सही रहेगी, क्योंकि बिना कार्ड डिस्काउंट के हो सकता है कि दोनों ही ऐप के ऊपर आपको 50,000 प्लस देखने को मिलेगा यहाँ पे डिस्काउंट। उसके बाद अगर आपके पास ICICI और एक्सिस बैंक का कार्ड है देन आपको ये 49,900 का या फिर 48,900 का प्राइस मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास ये वाले कार्ड्स नहीं है और आपके पास SBI का कार्ड है देन आपको अमेजोन के ऊपर परचेज करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास कार्ड नहीं है और आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हो तो हो सकता है कि वो 52-53 तक भी अमाउंट चला जाए। बट अगर आपके पास कार्ड होगा और अमेजोन के ऊपर अच्छी डील आती है देन मौका होगा कि 51-52 के अंदर भी आपको अमेजोन के ऊपर आईफोन 13 मिल जाए। लेकिन अमेजोन यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा, तो अपना पहला फोकस फ्लिपकार्ट पर ही रखना। ऐसा भी हो सकता है कि अमेजोन के ऊपर कार्ड वर्ड डिस्काउंट लगाने के बाद भी आपको महंगा पड़े और फ्लिपकार्ट के ऊपर बिना कार्ड डिस्काउंट लगाए आपको सस्ता पड़ रहा हो, इसलिए वेट करना पड़ेगा। पहले अमेजोन थोड़े से अपने प्राइस जो है वो रिवील करना शुरू कर दे, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म किया जा सकता है। इसलिए ज्यादा बेटर यही रहेगा कि आप फ्लिपकार्ट के ऊपर ही अपनी नजरें बनाए रखें, क्योंकि आपको वहीं पे ज्यादा सस्ता मिलने के चांसेस है जिस तरह से फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने आईफोन 13 की। स्टिल कोई भी अपडेट होता है यहाँ पे फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर, अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर आईफोन 13 से रिलेटेड या बाकी किसी आईफोन से रिलेटेड, देन उसकी सबसे पहले न्यूज आपको मिलती रहेगी वीट्यूब नेटवर्क पर। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।